बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर रहे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक कर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और भारत को लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश बताया था। पीएम मोदी के इस बयान पर अब देश में सियासत शुरू हो गई है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कटाक्ष किया है। मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में पहली बार सवाल किए और उस सवाल जवाब में उन्होंने भारत में भेदभाव न किए जाने की बात कही। मणिपुर में 300 गिरजाघरों को जला दिया गया, ये भेदभाव नहीं है। बीजेपी के पास 300 मंत्री हैं जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। पीएम मोदी विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारत में पीछे क्यों हट जाते हैं? भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में उनके प्रधानमंत्री के टेन्योर में पहली मर्तबा, जैसे आज हम खड़े होकर आपके सवालात का जवाब दे रहे वैसा उन्होंने सवाल लिया, तो उस सवाल जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से। मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये बहुत अच्छा है, डायलॉग अच्छा है, मगर ज़मीन पर तो कुछ दिखता ही नहीं है ना। और फिर डिस्क्रिमिनेशन की मिसाल सबसे बड़ी है कि बीजेपी के पास 300 एमपी है, एक मुसलमान एमपी नहीं है, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन की मिसालें आपके सामने रख रहा हूँ। विदेश में जाकर देते, यहाँ देने, भारत में देने से उनको इतना क्यों पिछड़ जाते हैं? गौरतलब है कि अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से एक पत्रकार ने भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर सवाल पूछा था, जिसका जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि भारत लोकतंत्र का मंदिर है। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी आत्मा है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको संविधान के रूप में शब्दों में ढाला है। हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों पर बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। फिलहाल ओवैसी के इस बयान के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के अलावा देश की राजनीति से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।